हम जानेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर हमारे बाजार के स्पॉट। राजेश जी नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको। सर 5200 पे मैंने डिक्सन लिया था सर, 5200 पे? और मैंने उसका एवरेज करते करते 4900 मेरा शेयर प्राइस हो गया सर। मेरा 600 क्वांटिटी है सर टोटल डिक्सन में। 4900 का औसत भाव है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, 600 शेयर हैं। सनी, जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए डिक्सन टेक में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। लगातार ये जी शेयर सर, चढ़ा था, पीएलआई स्कीम का बूस्ट मिला था, और हमने देखा था कि जो भाव बता रहे हैं 5000 से ऊपर के भाव पर उन्होंने लिया, एवरेज करते करते 4900 पर लिया, लेकिन अब वहाँ सस्टेन करना भी नहीं था और शेयर ने किया भी नहीं, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ इसमें। हालांकि डिक्सन के बारे में कहा यह जाता है कि भारत का ये फॉक्सकॉन साबित हो सकता है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन वही कंफर्टेबल जोन में आए नहीं हैं। डिक्सन टेक, आपको लगता है कि ये निवेशित रहना ठीक रहेगा? अगर मान लीजिए ये साल साल भर 2 साल और दें तो क्या इनके प्राइस आ पाएंगे, ऐसा आपको भरोसा है इसमें? हाँ डिक्सन में, अगर मैं डिक्सन की बात करूँ तो डिक्सन में हमने देखा है कि रिसेंटली इनके जो रिजल्ट थे वो कहीं वीक आए थे, नंबर खराब आ रहे थे डिक्सन में, इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं इसमें स्टॉक प्राइस में और वैल्यूएशन में करेक्शन भी हुआ है। बट हमें लगता है कि अब जो प्राइस वाइज करेक्शन था ये अब डिक्सन में हो चुका है। और अगर मैं मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं ये गाइड भी किया है कि फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड इनके मार्जिन थोड़े एक्सपांड होंगे और आगे अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है इंडस्ट्री में। हालांकि आई एम सॉरी टू से दैट कि इनका जो बाइंग प्राइस है बहुत ऊपर का बाइंग प्राइस है, वो प्राइस आने में काफी समय लगेगा यहाँ से। तो आइडियली आई मीन या तो इसमें से यहाँ से निकल करके ये दूसरे बेटर कंपनीज हैं उनमें स्विच हो सकते हैं, या तो फिर इसी में बने रहना है तो थोड़ा लंबा समय इंतजार करना होगा, 2 साल 3 साल के लिए, फॉर दैट प्राइस टू अचीव। या